अस्सलाम वालेकुम, मैं नसरीन, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोरमा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से बन जाता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 60 ml ऑयल। इसको हमने गरम करने रख दिया है। इसमें डालेंगे एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारी लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज प्याज ली थी हमने और 5-6 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसका हमने पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे इसमें हम। ये सूखे मसाले डालेंगे इसमें हम। इसमें हमने लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सब चीज़ों को हम भून लेंगे। और ये 2 चम्मच हमने नारियल का बुरादा लिया है, आप देख सकते हैं 2 चम्मच भर के लिया है। इसमें हम डालेंगे दूध, इतना दूध डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इतना हमारा मसाला भुन रहा है, इसको हम ऐसे मिक्स करके रख देंगे। मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। 100 ग्राम दही डाल देंगे हम इसमें और इसको हम जल्दी जल्दी भून लेंगे, फुल आंच पर अच्छे से भून लेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसको भूनते हुए हमें 6 से 7 मिनट हो गए हैं दही डालने के बाद। अब हम इसमें ये डालेंगे नारियल का बुरादा, ये हमने दूध डाल कर रखा था। इससे अच्छा टेस्ट आता है कोरमे में। इसको डालकर भी हम 5 मिनट भून लेंगे। और हमने अभी तक इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है। ये 1 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे हम। इसको फुल आंच पर भून लेंगे हम। टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देंगे, मैंने 1/2 चम्मच डाला। आप देख सकते हैं हमारा पूरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। ये पनीर के पीस काट लिए हमने इस तरीके से। ये हमने 250 ग्राम पनीर लिया है। इसको चलाते हुए हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे पनीर डालने के बाद। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी टाइट या ढीली रखनी है उतना डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसको ढककर पका लेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल दिया है हमने। आप जितनी ग्रेवी रखनी चाहें उस हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा पकने में भी कम हो जाएगा ये। 5-6 मिनट हम इसको पकाएंगे ढककर और उसके बाद चूल्हे को हम बंद कर देंगे। 5 मिनट ऐसा ही रखा रहने देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। पनीर कोरमा हमारा तैयार है। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये लीजिए तैयार है हमारा पनीर कोरमा। आप भी हमारे इस तरीके से बनाएं। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।